तो गाइस यार ये है एक नॉर्मल सा एलईडी बल्ब, और इसी जलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सिंपली घर की जो लाइट है 230 वोल्ट उसके अंदर लगा देते हैं, और फिर जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है। लेकिन गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बल्ब को जलाएंगे इस छोटे से सेल की मदद से। तो गाइस यार ये जो वीडियो सच में काफी धमाकेदार होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आई होप ये चीज आपको काफी पसंद आएगी। और गाइस यार इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक पुराने खराब पड़े हुए चार्जर की, एक ट्रांजिस्टर की जिसकी वैल्यू है D882, एक 1K रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की, एक नॉर्मल से सेल की जिसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट, एक एलईडी बल्ब और बल्ब होल्डर की। तो चलो अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। गाइज यार ये कंप्लीट हो गया हमारे दुनिया के सबसे छोटे इन्वर्टर का कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि काफी सिंपल है, ये जो दोनों तार है ये बल्ब के तार हैं, और इधर वाले जो तार हैं ये हमें बैटरी में कनेक्ट करने होंगे। आप यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी या फिर सेल कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला कनेक्शन आप देख सकते हैं काफी सिंपल है, अगर आप बारीकी से देखें तो आसानी से खुद भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब इस इन्वर्टर का टेस्ट लेते हैं, इसके इन सिरों पे लगा देते हैं हमारा ये जो बल्ब है इसे, और इधर लगा के देखते हैं बैटरी। तो गाइस यार पहले मैं आपको इस बल्ब को घर के अंदर जो लाइट आती है 230 वोल्ट उससे जला के दिखा देता हूं। तो ये मैंने लगा दिए तार, और अब करते हैं स्विच को ऑन। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो अभी घर के अंदर जो बिजली आती है उससे जल रहा है। इसे कर देते हैं बंद, और अब इस बल्ब को हमने अभी जो छोटा सा इन्वर्टर बनाया है उसकी मदद से जलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके दोनों तारों को लगा देते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से, इसका ये जो आउटपुट है इसके अंदर, और फिर इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ में। पहले इस बैटरी के साथ में ट्राई करते हैं और फिर इस सेल के साथ में भी इसे जला के देखेंगे। ऑलराइट, तो मैं इसे लगा देता हूं इसके अंदर, और गाइस आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो जल रहा है, और अगर मैं इसके तार को हटा दूं तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूं जो बल्ब है वो जलने लग जाता है। तो गाइस यार है ना काफी कमाल की चीज, एक कमाल का साइंस प्रोजेक्ट जिसे आप स्कूल वगैरह में दिखा सकते हैं। ये यहां से तार छूट गया है, इसको टच करते हैं ये जल गया, और अब इसे हम इस सेल से भी जलाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ये इस सेल से जलता है या फिर नहीं। राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो जल रहा है। हाँ, इसकी जो रोशनी वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स हैं, इस वजह से ये रोशनी फीकी लग रही है। अगर हम सारी लाइट्स को ऑफ कर दें फिर देखता कि आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो इस सेल से जल रहा है। देखो, राइट, लाइट्स ऑन। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को घर पे ट्राई करके जरूर देखिएगा, आप इसे अपने किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए भी ले सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।